लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया है? चलो ज्वाइन करना, इस ये क्वेश्चन ट्राई करना। पी नॉट वैल्यू दे रखी है से एफ पी थ्री प्लस से एफ पी टू प्लस की से ए, पी नॉट वैल्यू दे रखी है एफ पी थ्री प्लस से एफ पी की बी, तो ई नॉट वैल्यू निकालनी है तुम्हें एफ पी टू प्लस से एफ पी की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना आंसर बोलो। सर e नॉट वैल्यू ऑफ एफ थ्री प्लस टू एफ ई, ये वाला क्या लिखा है सर? पहली है एफ थ्री प्लस से एफ टू प्लस, दूसरी है एफ थ्री प्लस से एफ की है एफ टू प्लस से एफ, ये समझ में आएगा सर? इक्वल टू में समझ नहीं, वो क्या बी है? हाँ बी, ए है बी okay. है और इसकी निकालनी है वैल्यू, ठीक है सर? एफ टू प्लस से एफ की वैल्यू निकालनी है। चलो समय का आंसर आ गया है, प्रियंशी का आ गया आंसर, प्रथम का आंसर आ गया है, कृतिका का आ गया आंसर, चेक करेंगे। देखो इसमें आंसर जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आंसर इसमें एक मिनट, एफ बी थ्री प्लस है, एफ बी टू प्लस है, एफ बी है, ये तीन चीजें हैं, एफ बी थ्री प्लस एफ बी टू प्लस वैल्यू ए है, तो ए हो जाएगा ए टू वन, एफ बी टू प्लस एफ बी की वैल्यू ये है निकालनी है, मैं सी मान लेता हूँ उसको, तो टू इंटू सी हो जाएगा, और इसी के एफ की वैल्यू दे रखी है बी, तो ये हो जाएगा थ्री बी, तो ये आ गया थ्री बी इज इक्वल टू ए प्लस टू सी, तो सी हमारा हो जाएगा आंसर, ये है थ्री बी माइनस ए बाई टू, ये आंसर है। समय तेरा गलत हुआ ये तो समय। यस सर, देखो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ढंग से होती है, ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो ये सबको समझ आ गया कैसे किया है? देखो मैं यहां तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ उसकी, देखो अभी तो मैं तीन ही चीजें दे रहा हूँ, मान लो मैं ऐसी पांच चीजें दे दूँ तो क्या तुम डेल्टा जीरो से करते रहोगे क्वेश्चन? अभी तो मैंने तीन ही चीजें दी ना इसमें, अगर मैं ऐसी पांच चीजें दे दूँ तो क्या तुम डेल्टा जी नॉट से निकाल लोगे? कंफ्यूजन होगा कि नहीं इसमें? बोलो ऋषि, यस कंफ्यूजन होगा कि नहीं? चलो देखो, इसलिए ना तरीका क्या करने का क्वेश्चन को, कि तुम हायर चार्ज पहले लिख दो, सही ना, हायर चार्ज पहले लिख दो, उससे लोअर चार्ज देते जाओ और उससे लोअर लेते रहो, और ये फाइनल पूरी इक्वेशन। अब इधर से इधर जब गए तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ए इंटू वन, इधर से इधर गए तो दो इलेक्ट्रॉन है तो टू इंटू सी मान लिया, और इधर से जब इधर गए जो कि ओवरऑल रिएक्शन है तो थ्री इंटू बी, और ये ओवरऑल रिएक्शन जो थ्री बी होता है ना, दिस थ्री बी इक्वल टू ए प्लस टू सी, तो इससे सी क्या आ जाएगा, थ्री बी माइनस ए बाई टू, क्लियर हुआ कि नहीं है? यस यस सर, इस तरह से करना है, डायरेक्ट तरीका करने का ये। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, सोचेंगे इसमें कैसे करना है। से ई नॉट ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव से एम एन ओ फोर नेगेटिव से ये देखा तुम्हें MnO2, ये देखा से 5 वोल्ट, E नॉट ऑफ MnO2 से Mn2 प्लस देखा है 3 वोल्ट,
ई नॉट ऑफ एम एन ऑफ फोर नेगेटिव सी एम एन दे रखा है सेवन वोल्ट ई नॉट ऑफ इसमें ले लेते हैं अभी E not of Mn2 plus Mn. ये रखा 2 वोल्ट और तुम्हें निकालना है E not of MnO4 negative से MnO4 2 negative. क्या ट्राई कर सकते हो एक बार? यस सर, निकालो आंसर. सर 11 वोल्ट. हाँ सबने ट्राई कर लिया एक बार. सबने ट्राई कर दिया एक बार. चलो देखेंगे. यस सर. आंसर क्या है सर? 11 वोल्ट. 11 वोल्ट ऋषि ने निकाला है. यस सर. और कोई बच्चा? और के बच्चा आंसर निकाला उसका. देखो देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे देख लिया. इसमें कुछ ना कुछ पर इसमें एक वैल्यू मिस हो रही है.
एक वैल्यू मिसिंग है वरना हो गया मिसिंग। ये वैल्यू मिसिंग हो सकती है, इसको ले लेते हैं से कौन सी वैल्यू लगी है, 1 वोल्ट ले लो। सर 13 वोल्ट। 13 वोल्ट किसने कहा है सर? सर प्रियांशी। चलो देखते हैं, देखता हाँ 37 देखते हैं अंदर। देखो सर MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव बनेगा, पहले MnO4 नेगेटिव से बनेगा MnO2, MnO2 से बनेगा Mn2+, Mn2+ से बनेगा Mn, ये चीज बनेगी ना इसमें। अब MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव, ये तो हमें निकालना है, इसको x मान लिया x into 1, MnO4 नेगेटिव से MnO2, MnO4 नेगेटिव से MnO2 कितना रखा है, ये रखा 1, तो 1 into 2 आ जाएगा, और MnO2 से Mn2+, MnO2 से Mn2+ दे रखा है 3 वोल्ट, यानी 3 into 2 आ जाएगा, और Mn2+ से Mn कितना दे रखा है, ये दे रखा है मैं 2 वोल्ट, तो 2 into 2 आ जाएगा, और MnO4 नेगेटिव से Mn ये कितना दे रखा है 7 वोल्ट, तो ये आ जाएगा हमारा 7 into 7। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई एक वैल्यू हमें एक्स्ट्रा दे रखी है क्या? यस सर, ऊपर वाली कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है? MnO4 नेगेटिव से MnO2, हाँ ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है। तो बस मेरे को क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम डेल्टा जी नॉट से करते इस क्वेश्चन को तो क्या निकाल सकते थे इसे? टफ पड़ जाता कि नहीं? निकल तो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं निकलेगा, लेकिन टफ पड़ेगा उससे कि नहीं? इसलिए हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे लेके आते हैं। नाउ 7 into 7 यानी 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इंटू 1 यानी एक्स प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4। कोई डाउट किसी को? सर ये तो 37 आ रहा है। 37 आंसर आ रहा है ना? यस सर। पर्सन 3 जो बन रहा है MnO4 माइनस से MnO2, उसके अंदर भी तो ऊपर सेटिस्फाई होना चाहिए। उससे x plus 2 इज इक्वल टू सर MnO4 माइनस से MnO2 में 15 आ रहा है। हाँ सही है, या तो एक वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, सेटिस्फाई नहीं से होगा ना ये। हाँ कुछ ज्यादा विधि वो तो मैं अपने उससे दे रहा हूँ क्वेश्चन। ओके सर, तो वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता।
तुम्हें तुम करना करने का तरीका आ गया कि नहीं? यस सर, यस सर। वो आना चाहिए कि कैसे करना क्वेश्चन। अभी तुम इससे निकाल लो आंसर, तुमने कराया है सही है, उस वैल्यू को हटा देना, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हटा दो। सर इस टाइप का और एक क्वेश्चन दे दोगे प्लीज? हाँ, इस टाइप का और एक क्वेश्चन दे दोगे प्लीज? एक और लो, एक और, चलो मैं एक और बना देता हूँ, करो कुछ थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो कुछ निकाल लो, ये भी समझ आ गया ऋषि? हाँ सर ये समझ आ गया। चलो कुछ एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूँ, देखते हैं उससे हो जाएगा कुछ। ई नॉट दे रखा है तुम्हें सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव से इसको रुकते हैं सी आर, ये दे रखा है 8 वोल्ट, ई नॉट ऑफ सी आर ओ टू से सी आर थ्री प्लस दे रखा है 4 वोल्ट, ई नॉट ऑफ सी आर टू प्लस से सी आर दे रखा है 3 वोल्ट, ई नॉट ऑफ से क्या बनेगा इसमें, हाँ सी आर थ्री प्लस से सी आर टू प्लस दे रखा है 1.5 वोल्ट, 1.5 नहीं लेते उसको लेके ले लेते ताकि कुछ पूरी कैलकुलेशन इजी हो, 2 वोल्ट, ई नॉट ऑफ तुम्हें निकालना है सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव से सी आर ओ टू। अभी सही है ऋषि? यस सर। अब निकालो आंसर इसको। हाँ निकाल पा रहे हो कुछ? सर 13 सर 18 सर 18 18 प्रथम का 84 13 18 18 84 देखो अभी भी अभी ये क्वेश्चन सही बन रहा है कि नहीं विधि? ये सर अब बन रहा है। चलो करो देखो। यस सर 18 आ रहा है। 18 सर 18 18 18 चलो मैं निकाल दूं जल्दी से। yes. देखो सर सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव है उससे बनेगा लोअर चार्ज शायद सी आर ओ टू है। yes, sir, ये बनेगा सी आर ओ टू से बनेगा सी आर थ्री प्लस, सी आर थ्री प्लस से बनेगा सी आर टू प्लस, सी आर टू प्लस से बनेगा सी आर और एक ये डायरेक्ट, तो सी आर टू सेवन टू नेगेटिव से सी आर देखा 8 वोल्ट 8 इंटू हो जाएगा प्लस 6 से 0 ये आएगा कि नहीं? ये आ रहा है 8 6 48। हाँ 8 into 6 48 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? CR 2072 माइनस CR सर 8 वोल्ट लिखा है सर आपने। हाँ 8 वोल्ट लिखा ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें?
ये समझ आ गई पहली लाइन की? नहीं यस सर ऑब्वियसली। उसके बाद Cr2O7 नेगेटिव से Cr2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन है प्लस 6 से प्लस 4। ये ना वैसे इसमें मेंशन किया होना चाहिए कि इसका Cr2 Cr1 ही लेना है तो हाफ लेके करना है तभी एटम बैलेंस होंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 into निकालना है क्या ये? हाँ ये निकालना है 4 into x होगा ना 2 into x टू इंटू एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब Cr2 से Cr3 प्लस कितना है 4 तो 4 into 1। उसके बाद Cr3 प्लस से Cr2 प्लस कितना है? ये है हमारा 2 तो 2 into 1 फिर Cr2 प्लस से Cr कितना है? 2 into 3 6। तो ये तुमने किया 2x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 48। यही आएगा कि नहीं? यस सर। यस कितना आ जाएगा ये? 36/2 18 आ जाएगा। अभी तुम्हें समझ आ गया कैसे करने क्वेश्चन ये? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अभी इसके ये बेसिक क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं इसके, ये अप्लाई हर जगह होगा, क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। अब क्या मैं जल्दी से एक बार सेल जो है उसको बता दूं? सेल सबने पढ़ लिया ना ढंग से? यस सर। यस सर। तो मैं इसको रिपीट कर दूं सर, सेल आप थोड़ा धीरे से बता देना, वो वीडियो क्लियर नहीं थी आवाज आती है। सेकंडरी सर? अच्छा सेकंडरी सर क्लियर नहीं हुआ? हां नहीं हो सर। अच्छा बाकी सेल जो बताए वो समझ आ गए ढंग से? आप बाकी आ गए सर। चलो इसमें तुम्हें पता है कि करंट जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं आजकल, जैसे सोलर पावर प्लांट्स। आजकल हम सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, बहुत सारे तरीके हैं करंट को जनरेट करने के। बेस्ट हम जो यूज करते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम यूज करते हैं इसको भी, इससे भी हम करंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी डीमेरिट क्या है? एक तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं और इनके वोल्टेज ड्रॉप करते हैं जब हम इनको यूज करते हैं, और इनमें रफ हैंडलिंग नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए इस वजह से इनका जो यूसेज है वो लिमिटेड है थोड़ा। तो अब इसके अंदर टाइप जो है इसके टाइप जो है वो कौन कौन से हैं? तीन तरीके के सेल हम यूज करेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। तुमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वो है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया डेड हो जाएगा, फिर उसके बाद यूज नहीं कर सकते। वो क्या है? प्राइमरी सेल, यानी इनके अंदर रेड ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक बार होगी, दोबारा नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, वो प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल में हम दो पढ़ेंगे, ड्राई सेल जिसको लैक्टेंसी सेल भी कहते हैं, और एक इसकी एडवांस फॉर्म और एक इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जिसको हम कहते हैं मर्करी सेल। मर्करी सेल या इसको रूबन मैलोरी सेल भी कहते हैं या बटन सेल भी कहते हैं, किसी भी नाम से बोर्ड में आता है ये, वो आपके बोर्ड के ऊपर हट चुका है, क्योंकि नया सिलेबस आएगा उसको चेक कर लेने। मर्करी सेल और रूबन मैलोरी सेल और बटन सेल सबने लिखे हुए नोट्स इसके? ये सेकेंडरी सेल के अंदर। फ्यूल सेल में एक ही यूज होता है जो अपोलो मून फ्लाइट में भी यूज किया था, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है, H2 अलग है, फ्यूल O2 अलग फ्यूल है, H2O2 फ्यूल सेल। ये यूज किया था मैं अपोलो मून फ्लाइट्स पे, 200 केजी का था ये टोटल, और 11 दिन के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने यूज किया था। बाय प्रोडक्ट जो था वो वाटर था, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया गया था ना। तो ये H2O2 फ्यूल है। इसके अलावा और क्या फ्यूल हो सकते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, अभी मैंने तुम्हें पेंटेन दिया था वो हो सकता है। ये अदर फ्यूल्स हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ दिस H2 एंड O2। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल सब देखो इसके अंदर क्वेश्चन मेनली क्या आना है, एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, ये पूछेगा। ड्राई सेल है तो एनोड पे हमारे पास जिंक होता है, कैथोड पे हमारे पास ग्रेफाइट की रॉड होगी, और जिंक जो है वो टच में होगा NH4Cl और ZnCl2 से। मैंने पढ़ाते समय भी बोला हुआ है इसको Zn से ZnCl2 याद रखना, अपने आप याद रहेगा पूरा। और जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट जो है वो कनेक्टेड होगी, ग्रेफाइट यानी कार्बन, तो MnO2+ कार्बन के साथ, MnO2+ कार्बन के साथ।
NH4Cl यूज करने का डीमेरिट होता है, ये एसिडिक नेचर का है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट एसिड है HCl, तो एसिडिक नेचर का है, इसलिए जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, इसलिए ड्राई सेल की लाइफ थोड़ी कम होती है। और ZnCl2 यूज करते हैं हम, एक गैस रिलीज होती है अमोनिया बहुत हाई प्रेशर से, उसको एब्जॉर्ब करने, तो ड्राई सेल हमने देखा भी होगा जो यूज करते हैं ना बैटरीज वगैरह में, क्या कहते हैं हम जैसे इसको ट्रांजिशन में, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में यूज कर सकते हो तुम, क्लॉक वगैरह में यूज कर सकते हो तुम, काफी जगह यूज करते हो। तो वो एवरेडी की बैटरी होती है उनकी? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें ये ड्राई सेल है, इसके तो बनाने का तरीका भी वो देख लेते हैं। ये हमारे पास जिंक का कंटेनर है, इसके इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट MnO2 plus कार्बन और NH4Cl plus ZnCl2। ये जिंक का कंटेनर है, इसमें ये ग्रेफाइट दिखा दिया मैंने, ये ग्रेफाइट की रोड है, सब नोट सब तुमने नोट्स बनाया हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ मेंशन नहीं करूंगा इसमें। यहाँ पे जो ग्रेफाइट की रोड है, इधर आएगा हमारे पास MnO2 plus कार्बन, और ये जो जिंक का कंटेनर है इसके साथ में यहाँ पे जो होगा वो होगा NH4Cl plus ZnCl2, NH4Cl plus ZnCl2, ऊपर से मेटल की सील लगा रखी है और पूरे इस जिंक के कंटेनर को कवर कर रखा है एक कार्डबोर्ड की कवरिंग से, वुडन कार्डबोर्ड से, ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके किससे, एटमॉस्फेयर से। ये पूरा ड्राई सेल है। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, जिंक का कंटेनर जो है, जो जिंक का कंटेनर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, जो जिंक का कंटेनर है, मैं दिखाता हूँ रिएक्शन, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं इसके अंदर। एनोड पे जिंक का कंटेनर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स MnO2 जो है वो गेन करेंगे कैथोड पे विद द हेल्प ऑफ NH4+ आयंस, MnO2+2 NH4+ +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O3 में। कई बुक्स में Mn Mn के जगह +3 आ गई है नीचे, MnOOH भी दिखा रखा है, MnOOH उसमें भी Mn की स्टेट +3 ही है, वो भी दिखा सकते हैं। और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है हाई प्रेशर पे, अमोनिया गैस रिलीज होती है हाई प्रेशर पे, जो ऊपर मेटल की सील है उसको यहाँ पे ब्रेक कर सकती है, इसलिए इस अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ZnCl2 यूज किया हुआ है, ZnCl2 plus 2 NH3। चाहो तो तुम सिंपल इसको दो Zn NH3 whole twice Cl2 दोनों को दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में बांध, या ZnCl2 plus 4 NH3 सकते हो, तो उस केस में आंसर यह आएगा Zn NH3 whole 4 बड़े ब्रैकेट में बंद और बाहर Cl2। तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, दोनों तरीके शो करने के, किसी भी तरीके से शो करते हैं। तो ये ZnCl2 का यहाँ पे पर्पस होता है, और ये सेल जो है 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक देता रहता है, 1.25 से 1.5 वोल्ट तक देता है। और इसमें ये क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, बड़े बड़े अपने आप ही डेड हो जाता है, क्योंकि जो एसिडिक NH4Cl है वो NH जिंक के कंटेनर को कोरोड कर देता है, जिसकी वजह से सेल की लॉन्ग लाइफ नहीं है। ड्राई सेल के बारे में सबको समझ आ गया, यही चीज बता रखी है मैंने कि नहीं उसमें? यस सर। तो इसलिए तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना खुद है, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ कि ये चीज है तुम्हें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें भी ऐसे तुम्हें रटा होना चाहिए, तुम्हें मन में बोलना आना चाहिए, इस चीज को करना जरूर है, इस चीज को छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद आया तुम्हारा मर्करी सेल, मर्करी सेल ये इसकी एडवांस फॉर्म है, इसको बटन सेल या रूबन कैलोरी सेल भी कहते हैं। मर्करी सेल इसके अंदर भी जिंक का कंटेनर एनोड है और कैथोड हमारा ग्रेफाइट की रोड है, सब कुछ वही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसमें HGO प्लस KOH का पेस्ट एज इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिक मीडियम है, KOH मतलब बेसिक मीडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, HGO का पेस्ट प्लस KOH एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें रिएक्शन जो होंगी एनोड पे, जिंक से बनाना ZnO बेसिक मीडियम में बैलेंस कर दो, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, टू OH आयंस आएगा और एक H2O आएगा, ये बैलेंस होगा। कैथोड पे HGO से बनाना Hg और बेसिक मीडियम में बैलेंस कर दो, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो टू OH आयंस इधर आएगा और एक H2O इधर आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो जिंक प्लस HGO ZnO प्लस Hg बन जाएगा, Hg लिक्विड फॉर्म में, ZnO सॉलिड फॉर्म में, HGO सॉलिड फॉर्म में, जिंक सॉलिड फॉर्म में, ले लो। तो ये आ गया। तो क्या इसके अंदर देखो, एक तो मर्करी का डिस्पोजेबल डिस्पोजल मतलब इसको फेंकना, ये भी एक थोड़ा दिक्कत वाला काम है, सही ना, मर्करी पॉइजनस नेचर का होता है। और इसके अंदर जो एडवांटेज है सेल की,
इस सेल के डिमांड, ये भी 1.25 से 1.5 वोल्ट तक देता है, ये हमारा हियरिंग एड्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, हियरिंग एड्स में ट्रांजिस्टर्स वगैरह में भी यही सेल यूज होता है, 1.5 वोल्ट की सप्लाई जो देता है, हियरिंग एड्स में ज्यादा यूज होता है। अब इसमें तुम्हें बता सकते हो ई सेल जो है हमेशा इनोड सेल के इक्वल आएगा, क्योंकि ना तो कोई आयन है ना कोई गैस है, ई सेल हमेशा इनोड सेल के इक्वल आएगा कि नहीं? आगे अगला पार्ट तो आएगा नहीं, 0.059 बाय n log of product by reactant, तो यहां पे कोई आयन और कोई गैस नहीं है, समझ गए कि नहीं बाकी है? हां सर। तो ई सेल हमेशा ई नॉट सेल के इक्वल आएगा, इसलिए ये सेल कांस्टेंट वोल्टेज देता है 12 वोल्ट टाइप। ये क्वेश्चन आता है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाई मर्क्यूरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज 12 वोल्ट टाइप, क्या रीजन है इसका? देयर इज नो आयंस, सो ई सेल इक्वल टू दिस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो दिस रिएक्शन डज नॉट, नेट रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन में चेंज, सो इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज टू इट। तो ये हमारा खत्म हो गया मर्क्यूरी सेल, रूबन मर्क्यूरी सेल या बटन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सर फिर से ज्वाइन करना है? हाँ ज्वाइन करना है, ये खत्म बना हुआ है। लेड स्टोरेज बैटरी इसके अंदर क्या है, जैसे ये तुम्हें पता है कि कार वगैरह में जो बैटरी यूज होती है या घरों में जो इन्वर्टर वगैरह यूज होते हैं उसमें ये डिप्लॉय करेंगे, और इसमें क्या होगा सेल रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो सकती है, सेल को हम करंट सप्लाई करके रिचार्ज कर सकते हैं। फिर एक होता है तो सेल बोलते हैं, बहुत सारे सेल इकट्ठे मिल जाते हैं तो बैटरी बोलते हैं। तो इसमें हमने 12 वोल्ट की सप्लाई ली है, उसके लिए हमने एनोड को लेड माना है, कैथोड को लेड डाइऑक्साइड माना है, ये पीबी है एज एनोड और ये पीबी ओ टू है एज कैथोड, और यहाँ पे हमने बीच में इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इन सबको अलग अलग कर रखा है, और ये हमारे एनोड कनेक्टेड है। एक सेल 2 वोल्ट की सप्लाई देता है, तो ये बता सकते हो कितनी सप्लाई देगा अभी जो मैंने सेल बनाया हुआ है? 12 वोल्ट, 3 बार ये देगा 6 वोल्ट। एक सेल 2 वोल्ट दे रहा है तो ये कितने सेल है टोटल? 3 सेल है ना, ये पीबी और पीबीओ टू मिलकर एक सेल बनेगा, एनोड अलग कैथोड अलग, नहीं समझ आई बात? एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, तो ये भी 6 वोल्ट देगा, और 12 वोल्ट करना है तो कितने देंगे सेल? अभी हमने 3 सेल लिए हुए हैं, ये तब हमें 6 सेल लेने पड़ेंगे, नहीं समझ आई बात? समझ आ गया कि नहीं? ये तो 12 वोल्ट मान के चलना, मैंने अपने यहाँ पे अभी जो फिगर है इसके अंदर 6 वोल्ट का दिखाया। अब इसमें क्या हुआ डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग जैसे अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी अगर ऑन है तो रिचार्जिंग हो रही है, ऑन है तो करंट सप्लाई हो रही है तो रिचार्जिंग हो रही है, गाड़ी अगर ऑफ है और हमें जैसे क्या कहते हैं इसको यूज कर रहे हैं, इसके बटन वगैरह यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्जिंग के समय क्या रिएक्शन होगी? जैसे हमने लाइट ऑन ऑन छोड़ दी तो डिस्चार्जिंग होगी ना, तो डिस्चार्जिंग के समय एनोड और कैथोड के रिएक्शंस क्या होंगे? तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर आ रहा है। हाँ तो ये ध्यान रखना, अब एनोड और कैथोड पे, एनोड हमारा क्या था लेड था, लेड जो है सल्फेट आयन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा PbSO4 का और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज है, ये एनोड की रिएक्शन है। ये तुम्हें रटी होनी चाहिए हमेशा, तरीका मैं बता दूंगा सॉल्व करके कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर तरीका चाहिए ना तुम्हें तो। ये बहुत सिंपल सी बात है, एनोड एनोड पे लेड है ना, लेड तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो हर जगह चलेगी चलेगी, कौन सी? PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो रिएक्शन हर जगह चलेगी, तो Pb2+ सल्फेट आयन गिव्स PbSO4, अब दोनों को ऐड कर दो आ गई ना नेट रिएक्शन, देखो ऊपर वाली Pb2+ से Pb2+ कैंसिल आ गई इक्वेशन की नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? एनोड की रिएक्शन याद करने का तरीका बता दिया है, लेकिन रेडी होनी चाहिए वहां पे, पेपर में नहीं सोचना पड़े तुम्हें। बोलो समझ आ गई पहले एनोड की रिएक्शन की नहीं? यस सर आ गई सही ना। अब कैथोड पे क्या होगा, PbO2 से क्या बनाओगे? Pb2+। हाँ मैं पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ, लाने का तरीका यही है सेम, PbO2 से PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4s+ प्लस सल्फेट आयन्स गिव्स PbSO4
प्लस टू एच टू याद होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने लिखी है, नहीं तो तरीका क्या है कैथोड की रिएक्शन लाने का, एनोड मैंने दिया है कैथोड की रिएक्शन भी ऐसी आएगी, पीबीओ टू से बनाओ पीबी टू प्लस, बैलेंस करो एसिड मीडियम में, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये आ जाएगा फोर एच प्लस और टू एच टू ये आ गया, और नीचे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी दोनों को ऐड कर दो, तो क्वेश्चन आ गया कि नहीं, जैसे मैंने एनोड पे प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन ऐड की थी ऐसी इसको भी, नहीं समझ आया? आ जाएगा ना, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन आ गई, ये कब लिख रहे हैं रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, हम कब लिख रहे हैं रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मैं रख कर रहा हूँ ये बैलेंसिंग आना चाहिए बस, बैलेंसिंग आता तो हो गया कुछ। तो दोनों ये एनोड आ गया कैथोड आ गया, नेट सेल रिएक्शन की है तो नेट सेल रिएक्शन लेंगे क्या आएगा पीवी प्लस पीवीओ टू, पीवी प्लस पीवीओ टू प्लस 2H2SO4 डिस्चार्ज हुआ 2PbSO4 प्लस 2H2 समझ गए कि नहीं है? अब डेंसिटी आ जाएगा अपना H2SO4 की, जैसे जैसे सेल यूज होता जाएगा जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होगी डेंसिटी जो है सेल की क्या होती रहेगी कम होती रहेगी, डेंसिटी क्या होती रहेगी कम होती रहेगी, कोई डाउट तो नहीं है? जैसे ये 1.3 थी तो 1.2 हो जाती है डिस्चार्ज होते होते ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 3.5 लीटर की बैटरी होती है पूरी 3.5 लीटर की, और इनिशियली जो है 38% होता है बाय वेट H2SO4 और जब यूज होता रहता है तो 20% तक हो जाता है, और जैसे ही 1.2 से डेंसिटी कम होती होने लग जाएगी दैट मींस सेल नीड्स रिचार्ज, नेट रिएक्शन ने बता दी, और ध्यान रखना ये एनोड की कैथोड की रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग के समय रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे इसके, इसलिए अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे डिस्चार्जिंग तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा नीचे रिचार्जिंग, आया समझ के नहीं, ऊपर डिस्चार्जिंग तो नीचे रिचार्जिंग, ये मैं रिएक्शन पूछूंगा टेस्ट में ये रिएक्शन सुनाओ डिस्चार्जिंग के समय एनोड कैथोड की रिएक्शन क्या होती है, मैंने डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग भी बता दी रिएक्शन, रिचार्जिंग कैसे होगी जब हम करंट सप्लाई करेंगे, कोई डाउट? Nice. और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने दिया ऊपर, इनिशियली हमारे पास 38% बाय वेट H2SO4 था, 20% बाय वेट हमारा हो गया कुछ टाइम के बाद, जो 38% बाय वेट है उसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो 20% बाय वेट है उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 3.5 लीटर की बैटरी है अगर, तो तुम बताओ कितने मोल्स H2SO4 के यूज हुए और कितना चार्ज यूज हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था 80s में IIT के अंदर केमिस्ट्री में आया हुआ, समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक मोल सिंपल वर्ड में बोलूं तो एक मोल H2SO4 को खत्म करने के लिए कितने फेरेडे चार्ज लगेगा, एक मोल H2SO4 को खत्म करने के लिए कितने फेरेडे चार्ज लगेगा,